Good evening and a very very happy सावन to all of my friends. बहुत बहुत खुशी हो रही है. देखिए आप, जयपुर की पहली झमाझम बारिश. इतने दिनों से हम लोग इंतज़ार करने के बाद आज जो है सावन बरसा है. और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सरिताज रूफ टॉप किचन गार्डन में. और बड़ी शानदार सी एक घंटे की बारिश हुई है. देखिए पानी बहने लगा है. हमारे घर के सामने मेन रोड है क्योंकि, और बहुत सारी कॉलोनीज़ में से निकल के आता है. समंदर बनने लगा है और बड़ी अच्छी सी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है. बालकनी में चाय के साथ आनंद ले रहे हैं हम लोग बारिश का. और मैंने सोचा क्यों ना ऐसे में ही आप लोगों को बारिश के बाद मेरी छत का क्या हाल हुआ है ये मैं आपको दिखा दूँ. सबसे पहली तो बात यह है कि बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है इतनी तेज़ बारिश होती है क्योंकि, तो बह के निकल जाता है क्योंकि पेड़ पौधे पूरी तरह से ड्रेंच हो जाते हैं. तो पूरा जो न्यूट्रिशन भरा हुआ है अभी का वो सब निकल जाता है. इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बरसातों में लिक्विड न्यूट्रिशन बहुत है ना सही रहता है. क्योंकि जिस दिन अच्छा मौसम होता है उस दिन आपने लिक्विड न्यूट्रिशन डाला, प्लांट्स ने तुरंत ले लिया और बात ख़त्म. जबकि आप सॉलिड वाला जो डालते हैं या सूखा न्यूट्रिशन जो भी देते हैं वो पेड़ों में बना रहता है. और उसके बाद देखिए आप, मैंने आज अपनी छत पर अभी जाके देखा, पूरा समुंदर जो बना हुआ है वो येलो वाटर का बना हुआ है बिल्कुल मेरी है ना छत को. अभी देखिए बारिश रुकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नज़ारा. तुरई की बेल हो तो बहुत घमासान सी रही है पर अभी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इसमें. पर होपफुली आज के बाद और एक दो छोटी मोटी बारिश हुई है उनके बाद अच्छे रिजल्ट्स फिर से दिखने लगे हैं. करेले बहुत सारे आ रहे हैं अभी और बहुत आने तो बहुत सारे लगे थे जून से ही जब थोड़ी बारिश हुई थी, बट फिर भी येलो हो रहे थे. पर अब बनने लगे हैं फिर से ग्रीन बड़े बड़े भी. पूरा येलो पानी भरा हुआ था मेरी है ना छत पे न्यूट्रिशन का निकला हुआ जो होता है. फूल झड़े हुए हैं सारी छत पे. बट आई एम सो हैप्पी. बहुत वेट कर रहे थे हम बिल्कुल ऐसी बारिश का. अभी भी करेले जो है वो येलो पड़े हुए हैं देखो थोड़े थोड़े, पर फिर भी ठीक होने लगे हैं. अब मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ इसीलिए वेट करो बारिशों में सब अच्छा हो जाएगा. थोड़ी सी पड़ने तो दो बारिश, देखो ठीक होने लगे हैं अब. और ये देखो बिल्कुल नीचे का हाल, सब गिरे पड़े हैं पेड़ क्योंकि भले ही से ऊपर छप्पर हो पर फिर मोटी मोटी बूंदों की तरह ना वो निकलता है. ये देखो आप, सारे फ्लावर्स पत्ते सूखे सब झड़े हुए हैं. अभी अच्छी सफाई करके चुकी हूँ जबकि मैं, अभी लौकी अच्छी बढ़ने लगी है नई वाली जो मई में मैंने लगाई थी. ये देखो कल मैंने चौले की फली बहुत दिनों बाद तोड़ी. इसीलिए मैं आपको कहती हूँ थोड़ा वेट करो सब ठीक हो जाएगा. आपके प्लांट्स में अगर फ्लावर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है. थोड़ा सा बस गर्मी तेज़ है इस वजह से फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो है ना वो ठीक हो जाएगा. ये देखो कितनी तेज़ बारिश हुई है आज. पत्तियों पर किस तरह से निशान पड़े हुए हैं चोट के बारिश की. और धुल गए हैं बिल्कुल पेड़ एकदम. वैसे तो अच्छा लग रहा है पर कल जब मुझे सुबह सफाई करनी पड़ेगी तो पता चलेगा. बहुत टमाटर की पौध गिर गई है, अंदर रखी हुई भी काफ़ी. पर ये सब चलता रहता है. मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत जो पौध गिरती है ना वो धूप लगती है ना जैसे ही वैसे खड़ी हो जाती है, वो मरती नहीं है अगर बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़मीन में ना लौट गई हो तो. कद्दू में मेरे में फ्लावर्स दिखने लगे हैं बहुत दिनों बाद. ये देखो आप, किसी ने मुझे कहा था ये लौकी बढ़ती हुई भी दिखाएं आप अपनी गोल वाली, और ये बढ़ रही है अब. अभी 3-4 दिन लगेंगे इसको तोड़ने में. तो गिर गई है मेरी लौकी की बेल यहाँ पे. और ये देखो आपको अगर दिख पा रहा हो तो, सारी छत पे जब मैं आई थी भरा हुआ था पानी, तब ऐसा येलो पानी भरा हुआ था. सारा न्यूट्रिशन जो है वो निकला है पेड़ प्लांट्स में से, पर ऊपर से न्यूट्रिशन मिला भी है इसलिए आई एम सो हैप्पी. नीचे से निकला है अगर प्लांट्स में तो ऊपर से बारिश के रूप में बहुत अच्छा है ना, नाइट्रोजन मिला है प्लांट्स को और मिनरल्स मिले हैं. यहाँ देखो आप नज़ारे. ये एक तो देखिए सिलोसिया है ना, कॉक्सकॉम वाला जो प्लांट है, कितना अच्छा बढ़ रहा है. ये टंकी में क्योंकि लग गया है और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन डला हुआ है अमरूद में, तो इसने भी बिल्कुल विशाल रूप ले लिया है. देखो आप, अमरूद को भी दबा दिया है. वॉलंटियर है और ये मैंने नहीं लगाया. ये देखो सारे है ना अनार की टहनियाँ झुक गई हैं. और आप इधर देखिए गुआर को, देखो ज़रा आप, इतनी लंबी हो जाती है और उसके बाद फिर बारिशों में ऐसे ही गिरी पड़ी डोलती है चाहे आप कितना ही इंतजाम कर लो इसका. ये देखो आप, सारे पेड़ जो है कोई कहीं झुका हुआ है, कोई कहीं झुका हुआ है, बिल्कुल बारिश का आनंद लेते हुए. पर थोड़ी धूप होगी तो मैं इनको खड़ा कर पाऊँगी. अभी तो मैं कोशिश भी नहीं कर रही इनको ठीक करने की. और ये देखिए पूरी मेरी सेम की बेल आगे आ गई है चीकू के पेड़ के ऊपर. दिख भी नहीं रहा इसमें कि कहीं चीकू लगा हुआ था. बिल्कुल ख़त्म कर दिया है उसने छुपा के अंदर.
और इसमें भी एक वॉलंटियर सेलेसिया निकला हुआ है। कल इसको भी थोड़ा सा अलग करूंगी चीकू से। ये प्रकृति के आनंद है, इनमें नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा गिर गए हैं, झुक गए हैं, पर ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अपने आप धूप लगते ही खड़े हो जाएंगे ये। ये देखो आप, कॉस्मोस का मेरा पूरा सुबह फ्लावर्स से भरा हुआ था ये। मैं दिखाना भी चाह रही थी आप लोगों को कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, पर ये गिरा पड़ा है अभी इस टाइम पे। और बारिश का जो झुकाव था वो इधर की तरफ ही था, तो छत की तरफ मेरी, ये देखिए आप, थोड़ा सा ये मेरा जो बांस का छप्पर है वो आगे की तरफ झुक गया है। गिरने के तो कोई चांस नहीं है इसके, पर हाँ आगे की तरफ ज़रूर आ गया है थोड़ा सा। ये भिंडी का पेड़ रास्ते में आता हुआ, बिल्कुल जो लंबा हो रहा था। इस बार मेरे पेड़ लंबे नहीं हुए, अदरवाइज बारिश में मेरे भिंडी के पेड़ भी 10-10 फीट के हो जाते हैं। तो ये बहुत लंबा एक ही पेड़ है जो इतना लंबा हुआ था, जो कि झुक गया है थोड़ा सा। और इसी के ऊपर मेरी नई फ्रेंच बीन वगैरह लटक रही थी, जो अरे देखो टिंडे का प्लांट कितना अच्छा धुल गया है। मैं नज़र नहीं लगाना चाहती अपने प्लांट को, पर टिंडा इतना समृद्ध और हरा भरा कम ही मिलता है मेरी छत पे। बहुत ही अच्छी सी बेल बढ़ती हुई, सब झुक गए हैं प्लांट्स, क्योंकि बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश। ये देखो कल मैंने ना टमाटर की पौध जो है ट्रांसप्लांट की थी, और आज तेज़ बारिश में थोड़ी सी ना गिरी गिरी सी हो गई है ये। हर चीज़ खिली के लिए, एक और भिंडी का लुढ़का हुआ पेड़, बड़ी डाली वाले जो हैं वो लटक जाते हैं। इसमें से थोड़ा सा न्यूट्रिशन मुझे लग रहा है ज़्यादा बहा है, क्योंकि ये ऊपर तक भरा हुआ सा था ना थोड़ा सा, तो ये नीचे से देखो इसकी जो मिट्टी और वो है ना सूखा, वो भी बहा है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी तो वो पानी ऊपर बह रहा होगा इसके। बट नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं खुश बहुत हूँ, क्योंकि बारिश की बहुत ज़रूरत थी हम लोगों को, जयपुर वालों को। ऐसा लग रहा था सूखे में आ गया हम। ये देखो 3 दिन पहले बनाई है मैंने ये ट्रेलिस, और भर चुके हैं ये लगभग। मैं कह रही थी आप लोगों से बहुत जल्दी बढ़ेंगे ये, क्योंकि बहुत बहुत तेज़ी से शूट होते हैं ये बीन्स के जो प्लांट्स हैं, बारिशों में पता नहीं इतना तेज़ी से बढ़ते हैं बिल्कुल ही। और कुल मिला के 20 डेज हुए हैं मेरे को इनको लगाए हुए, बीज लगाए हुए मेरे को 20 दिन हुए हैं इसको कुल, जो उगके और इतना बड़ा भी हो गया है। ये फ्रेंच बीन है ये, इम्पोर्टेड वाली ब्लैक, और ये देखिए विंग का लोटा हुआ पूरा। समर्पण कर रहे हैं प्लांट्स प्रकृति के आगे, नतमस्तक हैं सभी और खुश भी हैं। थोड़ी गंदगी ज़रूर हो गई है, पर कोई बात नहीं, ऐसी गंदगी का तो स्वागत है। सब थोड़े से झुक गए हैं प्लांट्स, सावन में अपने पहली इतनी ज़बरदस्त बारिश का स्वागत करने में। और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ मैं सावन के महीने की। ये देखो नया ग्रो बैड, मैंने इसमें अभी आधा ही भरा था ये, एक कट्टा वो खोल के, और आज ये जम गया है बिल्कुल अच्छे तरह से बारिश में। और मिट्टी आएगी अभी इसमें बहुत, धीरे धीरे ही तैयार कर रही हूँ मैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं हम लोग शेड में रख दें क्या अपनी पौध को, या मैं उनको कई बार सलाह दे नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा तो देखो आप बिल्कुल खुला खेल है, बिल्कुल कुछ शेड वेड में नहीं रखती। मैं मोरों से बचाने के लिए मैंने नेट लगाया हुआ है, कूलर की जाली लगाई हुई है, देसी जुगाड़ इंतजाम किया हुआ है कि वो पहुँच ना पाए यहाँ तक। और पौध थोड़ी सी गिर गई है उसकी, खुले में रखी हुई है, बस इसके नीचे रखी हुई है ये टेलिस छप्पर सा जो मैंने बनाया हुआ है। और करेले के प्लांट देखो दोनों एक साथ लगे हुए थे, और दोनों में गमलों में एक साथ न्यूट्रिशन है, दोनों में एक से पैकेट से बीज लगाए हुए हैं। फिर भी इस बेल को देखो और आप, और इसकी नीचे वाली बेल को देखो, ये बढ़ गए हैं मेरे जो आम के प्लांट्स में लेके आई थी ककड़ी, ये गिर गया है बिल्कुल बेल। तो ये होता है आपके दो 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 एक तरह से भाई बीज भी अलग अलग निकलते हैं, तो आप इतनी टेंशन ना लिया करें। ये देखिए गिर गई है चोले की फली की ये बेल कॉस्मोस के प्लांट पे। और मैंने यहाँ से पुराने करेले जो इतने जले वले से हो रहे थे वो भी हटाए नहीं है, लगे हुए हैं, और अब उनमें फिर से है ना फ्लावर्स आते हैं रोज़, और करेले भी बनने लगे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ गार्डनिंग पेशेंस का काम है। आप बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्लावर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, फल नहीं बन रहा, क्या करें क्या करें। तेज़ गर्मी, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि हाई टेम्परेचर्स। ये देखो आप, मैंने गोभी की अगेती वाली एक, और उसमें कितना इंतजाम करके रखती हूँ मैं, बड़े डोंगे में मैंने छोटा डोंगा रखा है, ऊपर से नेट बांधा है,
जिससे प्लांट्स भी बढ़ जाएं और मोर उसमें ना, मोर या कोई भी पक्षी मुंह ना मार सके। पर देखिए छोटे छोटे प्लांट्स थे बिल्कुल, आज ही निकले वाले थे, वो गिर गए हैं बारिश में। पर इसमें मैंने बहुत बीज डाला था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतने तो प्लांट्स मुझे लगाने भी नहीं है। तो मैं आपको क्या कह रही थी, हाँ मैं यही कह रही थी कि आप बिल्कुल निराश ना हो और बिल्कुल पेशेंस लूज़ ना करें। बहुत एक्सट्रीम जब टेम्परेचर्स होते हैं तो फ्लावर ड्रॉप होते हैं, आपका पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हो तब भी होंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है अभी भी, तो थोड़ा सा आप एक महीना आप जो बहुत तेज़ एक्सट्रीम पे जो गर्मी होती है उसमें इंतज़ार करें, आपके पेड़ में कोई कमी नहीं होती, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा दोबारा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होंगे। और देखिए आप बहुत जो तेज़ गर्मी के बाद बारिश आती ही है हमेशा और अच्छा होता है सब कुछ। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।